हेलो, कैसे हो बच्चों? आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जैसा कि आप पिछले कुछ क्लास से देख रहे हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर की। सो दिस इज अ वीडियो लेक्चर नंबर 10। आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच पार्ट 1 टू पार्ट 9 बिफोर वॉचिंग पार्ट 10। अगर आपने नहीं वॉच किया है तो आप पहले इसे देखें, उसके बाद इसे देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आप पहले के लेक्चर्स को अवश्य देखें। इस लेक्चर को देखने के पहले, पोटेंशियोमीटर क्या है? तो पोटेंशियोमीटर के बारे में ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है यूजुअली, और पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और ये जो वेरिफिकेशन है वो डेरिवेशन, ये सब कुछ आएगा आपको 5 नंबर के लिए। पोटेंशियोमीटर एक प्रैक्टिकल भी है जो आप स्कूल में करते हैं, और स्कूल में आपने पोटेंशियोमीटर जरूर देखा होगा। फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, चूंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है और इसका प्रैक्टिकल भी है, तो हम इसकी कोशिश करेंगे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, और हम आपको चाहेंगे कि आप इसे ठीक से समझें। पोटेंशियोमीटर क्या है? व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? सो सबसे पहले बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर है क्या। पोटेंशियोमीटर ये क्या करता है? पोटेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए तो वोल्ट मीटर भी होता है जो मेजर करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वोल्ट मीटर जब है ही है तो पोटेंशियोमीटर की क्या होता है, क्या मतलब है? पोटेंशियोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियो मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट, सर्किट ठीक है, अलोंग वायर, ठीक है, टू पॉइंट ऑन द वायर इन सर्किट। तो अभी आप कह, जैसे कि मैंने कहा कि वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए मेजर किया जाता है, तो वाई पोटेंशियोमीटर? वोल्ट मीटर के साथ क्या खास बात है कि वोल्ट मीटर जो होता है वो बड़े पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है, जबकि पोटेंशियोमीटर बहुत स्मॉल माइन्यूट पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करने के काम आता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि वोल्ट मीटर में पोटेंशियल की इतनी एक्यूरेसी माइक्रो लेवल पे नहीं हो सकती, क्योंकि वोल्ट मीटर में कुछ जो है पोटेंशियल डिफरेंस उसके अपने इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से भी लॉस होता है, कुछ करंट उधर भी लॉस होता है। तो इसलिए उसको वर्किंग प्रिंसिपल के लिए, वर्किंग के लिए वोल्ट मीटर को अपना खुद का कुछ थोड़ा सा करंट चाहिए, वो मेजरमेंट नहीं हो पाती, इसलिए एक्यूरेट मेजरमेंट होना मुश्किल है। पोटेंशियोमीटर में क्या है कि इसको अपने इस्तेमाल करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को कोई करंट नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बहुत एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बहुत माइन्यूट, बहुत छोटी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सकता है। इसका अर्थ है कि इसका एप्लीकेशन बहुत ही वाइड और वास्ट होता है। इसका मैकेनिकल के अलावा मेडिकल इक्विपमेंट्स में बहुत सारा इस्तेमाल होता है, और यहाँ तक कि इससे नर्व के मूवमेंट के बारे में भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होती है उसको भी मेजर करके पोटेंशियल करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि पोटेंशियोमीटर बहुत ही सेंसिटिव होता है, और इसके थोड़ी सी भी कहीं पर भी हलचल होगी तो उसको ये मेजर कर सकता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द वायर इन एनी सर्किट, ठीक है। तो ये पोटेंशियोमीटर का खास बात है और इसकी खूबियां है। अब सवाल है कि होता क्या है? व्हाट इज पोटेंशियोमीटर एंड हाउ इट इज मेड ऑफ? व्हाट इज मेड ऑफ पोटेंशियोमीटर में क्या होता है कि ये हमने जैसा कि अभी आपको कहा था कि
ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का, जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया था, उसी का ये एप्लीकेशन है। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल जो है उसके एप्लीकेशन के आधार पे ये काम करता है। तो ऑफ कोर्स ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन के आधार पे चूंकि काम कर रहा है तो उसका इस्तेमाल इसमें होगा। अब ये सवाल है कि उसमें क्या था कि उसमें चार रेजिस्टेंस थे, पी क्यू आर एस। यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए इसमें हम लेते हैं कि रजिस्टर एक तो लगाएंगे और बाकी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होगा जहां पे हमें मेजर करना है। इस थ्योरी के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड द करंट अमाउंट ऑफ करंट इज कांस्टेंट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द वायर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वायर की लेंथ होगी उसी के हिसाब से वायर की लेंथ बड़ी होगी तो पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, वायर की लेंथ छोटी होगी छोटे वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और जैसे जैसे वायर बढ़ता जाएगा लेंथ बढ़ती जाएगी पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बढ़ता जाएगा। तो वायर ऑफ कोर्स यहाँ पे एक होनी चाहिए। ये वायर लगभग, वैसे तो जो स्कूल में आपने देखा होगा उसमें 10 मीटर लॉन्ग वायर होती है जो 10 अलग अलग कतारों में किसी बोर्ड पे स्क्रू से टाइट होता है, स्क्रू से टाइट किया हुआ रहता है कि 1 मीटर के 10 लंबी वायर होती है इस तरह का, और ये 10 दो पॉइंट के बीच में जुड़े हुए होते हैं। आगे 1 मीटर स्केल होता है और इस मीटर स्केल के जरिए हम मेजर कर सकते हैं कि किस वायर की लेंथ कितनी है। इसको एक प्रॉपर डायग्राम बना सकते हैं और उस डायग्राम के जरिए हम इसको एक्सप्लेन कर भी सकते हैं। तो कैसा डायग्राम होना चाहिए? कई जो पोटेंशियोमीटर होता है वो चार लेंथ ही वायर होगी तो 400 मीटर का होगा, 3 लेंथ ऑफ वायर होगी तो 300 मीटर का होगा, अगर 10 लेंथ ऑफ वायर होगी तो 10 मीटर का होगा। तो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा पोटेंशियोमीटर है और क्या हम मेजर करने वाले हैं उसके हिसाब से उसमें होता है। लेकिन यूजुअली जो 10 मीटर लेंथ का वायर होता है वो कॉन्स्टेनन और मैग्नेनिन का बना होता है, इसलिए कि इसमें टेम्परेचर रेजिस्टेंस होते हैं और इसमें टेम्परेचर का बहुत फर्क नहीं पड़ता है, और ये जो है वो रेजिस्टेंस इनके जो होते हैं वो भी हाई होते हैं। तो इसलिए हम एक पोटेंशियोमीटर में ये समझ सकते हैं कि 10 मीटर लंबी एक वायर होती है और उस वायर में ये दो टर्मिनल के बीच में वायर बंधा हुआ होता है, और वहां पे एक दो टर्मिनल है, जैसे कि हम मान लें कि ए और बी जो एक प्राइमरी सर्किट से जुड़ा है, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, ये है ए और बी, ये दोनों प्राइमरी सर्किट से यहाँ से ऐसे जुड़े हुए हैं इस वायर से, और ये जुड़े हुए हैं यहाँ से, ये एक अमीटर लगा हुआ है जो करंट को मेजर करेगा, और ये एक बैटरी लगी हुई है ईएमएफ जिसकी ई है, ये एक रियोस्टेट है आर एच रियोस्टेट जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरिएबल रेजिस्टेंस जितनी जरूरत हो उसके हिसाब से इस जॉकी को आगे पीछे करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर में ये कनेक्टेड है इससे, ठीक है ना? तो इस पोटेंशियोमीटर में 400 मीटर ही है, यहाँ पे एक स्केल होता है जिस स्केल पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जैसे ये डॉट दिख रहे हैं ना इसके सामने, ये 100 भागों में बटा हुआ होगा, ये 100 भागों में बटा हुआ होगा कि यहाँ 0 है तो यहाँ पे ये क्या होगा 100, तो ये 100 मीटर का 1 मीटर हो गया पूरा। 1 मीटर में यहाँ 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, है ना, 60, 70, 80, 90, 100, तो इस तरह से ये होंगे 80, 90 और 100। तो ये पूरा एक 1 मीटर का लंबा ये स्ट्रेच होगा, क्योंकि गंदा लग रहा है इसलिए लिखा नहीं, ये 0 से 100 के बीच में ये स्केल यहाँ पे बंधा हुआ बना हुआ होता है इस तरह का, ये स्केल है जो वुडन बोर्ड पे होगा। इसको हम एक प्रॉपर एनिमेशन से भी दिखाने की कोशिश करेंगे अभी आपको। तो ये पहली सर्किट में ए और बी से ये कनेक्टेड है, ए यहाँ पर, ये सर्किट ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, इस बैटरी से यहाँ से करंट निकल के आएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट निकल के आएगा इधर आएगा इस वायर में आएगा, इस वायर से इधर होकर के एक में जाएगा, ये चूंकि कॉपर स्ट्राइप्स होती है तो ये कंडक्टर है,
ये ऑलरेडी कॉपर स्ट्राइप्स होती है, ठीक है ना, तो ये कंडक्टर है, कॉपर तो कंडक्टर है ही है, तो यहां से करंट यहाँ चला जाएगा। अब इस 100 से लेकर के 200 मीटर यहाँ है, फिर ये भी कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ से 200 से 300 मीटर यहाँ चला जाएगा, 300 से 400 यहाँ, ऐसे ही 10 मीटर का होगा, तो 10 लंबी लंबी कतारें होंगी तारों की। ये चार्ज चूंकि बहुत गंदा लगेगा, हमें एक्सप्लेन भी करना है, तो यहाँ 400 मीटर का हमने लिया। अब चूंकि करंट यहाँ से निकलेगा तो ए में आएगा, ए से फिर ये होते 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 कहां तक चला जाएगा इस वायर के जरिए, बी तक। तो ए और बी कनेक्टेड है और बी का एक हिस्सा इस रेजिस्टेंस के जरिए, रियोस्टेट के जरिए इस बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये कहलाएगा प्राइमरी सर्किट। ये प्राइमरी सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर हम की को ऑन करेंगे, कहीं पे की लगा दीजिए, की को ऑन करेंगे तो ये सर्किट क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। एक दूसरा सर्किट को पूरा करने के लिए हम लेते हैं कि ए से एक यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए और गैल्वेनोमीटर के साथ एक चौकी लगा दिया जाए, तो करंट यहाँ से जो आएगा ए में, ए से होकर इस गैल्वेनोमीटर के जरिए चौकी तक जाएगा और यहाँ पर जहां भी हम कनेक्ट करेंगे वहां से ये पूरा ये सर्किट में करंट चला जाएगा और ये बी तक पहुंचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्राइमरी सर्किट है और एक ये सेकेंडरी सर्किट हमने बनाया है जहां से इसे बैलेंस किया जा सकता है और सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए कि जहां पर इसके रेजिस्टेंस को हम मेजर करना है, कि ये दिखाना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आइए इस बात को समझते हैं कि कैसे ये किया जा सकता है। ये आपको अब समझ में आ गया होगा डायग्राम कि ये ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, इसके बीच में 10 मीटर लंबी वायर है जो कि अलग अलग एक एक मीटर के स्केल पे लगा हुआ है। ये बैटरी है, ये रियोस्टेट है, ये कनेक्शन अगर कर दिया तो ये पूरे वायर में क्या होगा, करंट फैल जाएगा। आप चाहें तो इसमें बीच में की लगा सकते हैं, क्या की लगा सकते हैं, ये की जब ऑन करेंगे तो ये पूरा सर्किट कम्प्लीट हो जाएगा, की ऑन नहीं करेंगे तो सर्किट कम्प्लीट नहीं होगा। दूसरा यहाँ भी चाहे तो एक की और लगा सकते हैं और वो तो डिपेंड करता है आपको, और यहाँ से ए से जुड़ा हुआ है, अगर ये की ऑफ कर देंगे तो इस प्राइमरी सर्किट से आपको करंट तो नहीं जाएगा, लेकिन ये की ऑन करेंगे तो यहाँ सेकेंडरी सर्किट से करंट फिर फ्लो होने लग जाएगा और एक दूसरा सर्किट हो गया, इसलिए इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सर्किट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज द पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू एंड ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर प्रोवाइडेड the area of cross section of wire and area of cross section of wire and the amount of current, magnitude of current, it will be better word, magnitude of current through the wire remains constant, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ करना है दैट इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब हम इस सर्किट में इस कैसे काम करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो प्रिंसिपल हो गया। अब वर्किंग क्या है इसकी, तो वर्किंग ये है कि इसमें किस तरह से ये काम करेगा, है ना, तो ये देखना है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। तो वर्किंग के लिए हम इसमें लिखते हैं वर्किंग, व्हाट इज वर्किंग, वर्किंग ठीक है क्या है, ये देखिए कि अगर ए, लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर,
और ये जॉकी जो यहां पर है इसकी पूरी लेंथ कितना कहेंगे, यहां से ये 100 मीटर। जब हम जॉकी को, गैल्वेनोमीटर की जॉकी को इस तरह से इस वायर पे टच कराते जाते हैं, और टच कराते कराते देखेंगे कि एक पॉइंट पर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है, इसका मतलब है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये ब्रिज बैलेंस है, और ये बैलेंस है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो जहां पे, जिस पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे जॉकी करने से, जॉकी क्या होता है, एक वेरिएबल पॉइंटर होता है, जिसको इस तरह का पॉइंटर होता है, जिसको हम आगे पीछे ले जा करके वायर पे देखेंगे कहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है। जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होगा उस जगह पर हम क्या करेंगे, इसको रोक देंगे। रोकने के बाद हम देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। जैसे यहां से मान लीजिए कि ये 100 मीटर है, यहां से यहां तक 100 मीटर है, फिर यहां से यहां तक 200 मीटर है, और सपोज कीजिए कि यहां से यहां तक 50 मीटर और जा करके ये रुक जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर। चूंकि हमें स्केल है हमारे पास, तो हम स्केल से देख सकते हैं कि यहाँ पे यू कितना है। तो मान लीजिए कि 250 मीटर पर जाकर ये रुक जाता है, तो एल क्या हो जाएगा, 250 मीटर। एल होगा 250 मीटर लेंथ। अब रेजिस्टेंस जो होता है वो आर मान लेते हैं, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ। तो एल रेजिस्टेंस लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, एल इंटू आर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम इस पे देखेंगे कि कहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है। जहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा उस पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, उस लेंथ को हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे, ठीक है ना। जहां पे जो पॉइंटर को आप ले जा करके पूरी सेटअप को करके, अब आप धीरे 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 जैकी को आगे पीछे करके वायर पे देखेंगे, जहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होगा उस लेंथ को मेजर कर लेना है। और उस लेंथ को मेजर करने के बाद हमें देखना है कि पोटेंशियल ड्रॉप वहां कैसे होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वायर के हिसाब से वो कितना होगा, वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना। सो ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, है ना, ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एंड रो बी द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रेस्टिविटी की कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर होगा पोटेंशियल ड्रॉप। अब वी इज इक्वल टू आई आर होने का मतलब ये हो गया कि आर क्या होता है, तो आई इंटू रो एल बाई ए होता है ना। अब इसमें वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए, रो एल आई रो अपॉन ए इंटू एल लिख सकते हैं। ये वायर में कांस्टेंट रियोस्टेट की मदद से हम क्या कर रहे हैं, ये करंट को, मैग्नीट्यूड को, रियोस्टेट को आगे पीछे करके करंट के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखा जा रहा है। तो करंट यहां पर कांस्टेंट है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर जो हमने पहले ही कहा था कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो ये भी कांस्टेंट है। और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, एक ही वायर है तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हैं वी इज इक्वल टू के एल, वेयर के इज और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यही हमें प्रूफ करना था, के कांस्टेंट है, वेयर के इज इक्वल टू, आप चाहें तो लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू आई रो अपॉन ए, ये माना जा सकता है कि ये कांस्टेंट है। तो ये कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, वो वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात समझ आ गई, यही बात आपको लिखना है, और ये बात आप लिख देंगे तो आपका माना जाएगा कि आपने सही किया है। इसमें ये पूरी की पूरी तरीके से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब होता है, जब व्हीट स्टोन ब्रिज माना जाता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज में पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस हो, तो क्या माना जाता है, बैलेंस माना जाता है, और तब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या होती है, जीरो होती है। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब है कि ये बैलेंस है, और ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही अप्लीकेबल होता है, उसी के थ्योरी पे आधारित है, उसी का अप्लीकेशन है, इसलिए पोटेंशियोमीटर व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। इसमें अब ये वी इज इक्वल टू के एल है, तो वी बाई एल को के लिख सकते हैं, इसको कहते हैं द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट।
that is fall of potential per unit length, that is fall of potential per unit length, per unit length, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी बातें इसमें हमने लिख दी है एक ही में, आपको समझाने के लिए, आप समझ में आपको आ गया होगा। पोटेंशियोमीटर का और भी एप्लीकेशन होता है और इसके जरिए हम किसी दो बैटरी के ईएमएफ की कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आइए अगला चीज उसको सीखते हैं कि हाउ टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो अगला टॉपिक पे बात करते हैं, अगला टॉपिक क्या है ये देखें, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ रीजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर, यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है, ये टॉपिक है। दो बैटरी का, दो सेल का ईएमएफ हमें कंपेयर करना है कि उनकी ईएमएफ क्या है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो जो अभी थ्योरी हमने सीखा कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर होता है, इसी का थ्योरी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखें कि पहले ये कैसा काम करेगा, किस तरह का होता है इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, आपको पोटेंशियोमीटर का हम डायग्राम दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक बैटरी ये है जो कि एक बैटरी ये है ये, और एक बैटरी ये है, दो सेल है, दो की लगी हुई है, एक ये की लगी है, एक ये की लगी है। इस दो की मदद से हम चाहे टू वे की कह सकते हैं, दोनों में से जिस बैटरी को चाहे जोड़ सकते हैं और जिस बैटरी को चाहे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी से प्राइमरी करंट इसमें फ्लो हो रहा है, प्लस यहाँ से करंट आया, इसमें गया और बी में जाकर के कनेक्ट हो गया। ये रियोस्टेट लगा हुआ है, जैसा कि पहले बताया, ये की लगा हुआ है या मीटर लगा हुआ है, ये चाहे तो इधर लगा दे चाहे इधर लगा दे, जो करंट की वैल्यू को मेजर करता है। रियोस्टेट क्या करता है, रियोस्टेट से वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जिससे करंट को कॉन्स्टेंट रखने में मदद मिलती है। अब क्या है कि इस सेल को यहाँ पे अगर हम की K1 पहली की को ऑन कर दे तो करंट यहाँ से सेकेंडरी जो सर्किट बनेगा वो E1 से होकर के और ये गैल्वेनोमीटर में जाएगा और गैल्वेनोमीटर से होकर के जॉकी में जाएगा। अगर K2 को ओपन रखें और K1 को क्लोज कर दें, यानी K1 को क्लोज कर दें, मतलब क्लोज करने का मतलब यह होता है कि आपने स्विच को ऑन कर दिया, क्लोज करना होता है, और ओपन करने का मतलब ये होता है कि आपने सर्किट को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। तो क्लोज करते हैं, की को क्लोज करना मतलब स्विच को ऑन कर देना। तो अगर K1 को हम क्लोज करें और K2 को ओपन रखें और फिर इस जॉकी के जरिए हम ये लेंथ मेजर करें कि कहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मान लीजिए इस पॉइंट पे जीरो हो गया, तो इस लेंथ को यहां से यहां तक की लेंथ को जो भी है उसको हम मान लेते हैं कितना, L1। फिर हम क्या करते हैं कि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुई इस बैटरी के जरिए, और इस बैटरी के जरिए जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, मान लीजिए यहाँ पे आकर के ये K1 हो गया और ये लेंथ को हमने मेजर कर लिया L1, उसके बाद हमने K1 को ओपन कर दिया और K2 को क्लोज कर दिया, तो ये सर्किट करंट ऐसे यहाँ से आएगी और ये सर्किट जैकी गैल्वेनोमीटर से होकर के पूरा हो गया। अब ये फिर हमने जैकी को आगे पीछे करना शुरू किया, तो अब इससे मान लीजिए कि यहाँ पर आकर के पॉइंटर और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। तो इस लेंथ को भी हम मेजर कर लेंगे कितना, L2। इस लेंथ को मेजर कर लिया L1, दूसरे लेंथ को मेजर कर लिया L2। अब पोटेंशियल ड्रॉप हमें असली दोनों के लिए चूंकि सेल की कंपैरिजन करनी है तो हम अब कंपैरिजन कर सकते हैं। पहली चीज जो आपने देखा कि ये दो की लगी हुई है, दो की मदद से एक की यहाँ पे लगी हुई है जिससे हम की ऑन करते क्लोज करते ही ये प्राइमरी सर्किट पूरा हो जाता है। सेकेंडरी सर्किट के लिए ए से एक ये जो सेल लगी है, इस सेल के साथ ये टू की लगी हुई है, जब ये की ओपन होगा तो करंट इधर से फ्लो होगा ही नहीं, ये क्लोज होगा तो करंट इधर से फ्लो होगा। पहली बार में हम K2 को ओपन रखते हैं और K1 को क्लोज कर देते हैं,
तो सर्किट जो है यहां से सेकेंडरी करंट होगा, इधर से करंट नहीं फ्लो करेगा, इधर से करंट फ्लो होगा और ये चौकी में करंट आएगा और चौकी से हम पॉइंटर को फिर आगे पीछे करके और लेंथ को मेजर कर सकते हैं जहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो, जीरो हो। दूसरी बार में हम E2 बैटरी को कनेक्ट करेंगे, K1 को ओपन रख देंगे और K2 को क्लोज करेंगे और फिर जॉकी के जरिए हम देखेंगे कि कहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है, उस लेंथ को भी मेजर कर लेंगे। मान लेते हैं उस लेंथ को L2 कहा, ठीक है। तो EMF जो बैटरी का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर होगा। इसका मतलब EMF इज इक्वल टू, दैट इज E1 इज इक्वल टू, थोड़ा लाइट कलर से लिखे, E1 इज इक्वल टू व्हाट, E1 इज इक्वल टू KL1 हो जाएगा ये लेंथ, और दूसरे बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू KL2। नाउ E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू K से K कट जाएगा, L1 बाई L2। यही हमें कंपेयर करना था कि दोनों के EMF जो होंगे वो दोनों के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब EMF जो होगा वो इसके E1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L2 एंड E2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L1, ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। एक बात और ध्यान देने वाली है वो ये कि अगर EMF आपको कंपेयर करनी है इस सेल का, मान लीजिए इस सेल का EMF आपको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये जो बैटरी लगाई है इसका EMF इसके EMF से बड़ा होना चाहिए, इन दोनों के EMF से बड़ा होना चाहिए, तभी आप बैलेंस पॉइंट को, इस J1 को जो पाई जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है, इस पॉइंट को